हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष एक ऐसा आदेश लेकर आया हूँ जो एक खंड शिक्षा अधिकारी ने दिया है और मुझे तो यह आदेश बिल्कुल अटपटा लग रहा है। आप भी इस आदेश को देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय के समस्त स्टाफ को उपस्थित होने का दिया आदेश। ये एक अजब आदेश है और इसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा। तो देखते हैं ये आदेश कहाँ का है। साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो जो बेसिक शिक्षा विभाग संबंधित होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं कहाँ का आदेश है। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, आलमपुर जाफराबाद बरेली, दिनांक 2 जून 2021, यानी कि ये कल का आदेश है। विषय: प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय के प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक के निर्देश के क्रम में समस्त स्टाफ को उपस्थित होने के संबंध में। उपर्युक्त विषयक यह है कि कार्यालय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक संख्या 729/2021 CX3 दिनांक 30 मई 2021 के आदेश के क्रम में बिंदु संख्या 08 के सापेक्ष परिषदीय बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने की अनुमति प्रदान की गई है एवं विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद अनुसार खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई है। अतः उपरोक्त आदेश के क्रम में समस्त शिक्षक कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में मांगी गई सूचनाओं को समयबद्ध पूर्ण कर उपलब्ध कराने हेतु समस्त स्टाफ प्रधान अध्यापक के निर्देश के क्रम में विद्यालय में उपस्थित होकर प्रशासनिक कार्य पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करें। संज्ञान में आया है कि प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय में प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक उपस्थित होकर प्रशासनिक कार्य पूर्ण कर रहे हैं। शिक्षक कर्मचारी स्टाफ सहयोग नहीं दे रहे हैं। वह बिना सूचना के मुख्यालय से प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक अनुपस्थित हैं, जिससे उक्त विद्यालयों में विभागीय सूचनाओं को समय से पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जो कि घोर लापरवाही का द्योतक है। उपरोक्त दिशा निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड आलमपुर जाफराबाद बरेली। ये 2 तारीख का आदेश है तो आप देख सकते हैं साथियों, लेकिन सरकारी अधिकारी हैं, हम इसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस वक्त टीचर्स की छुट्टी पड़ी हुई है। 20 मई के बाद विद्यालय बंद हो जाता है और इस साल तो हमारे विद्यालय 16 जून से खुलने हैं, तो कम से कम 16 जून तक तो टीचर्स को छुट्टी मिलनी ही चाहिए। जब 16 जून को विद्यालय खुलना है तो अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में ये आदेश समझ से परे है। तो साथियों, मेरा जो मकसद था वीडियो बनाने का, आपको इस आदेश से अवगत कराना था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य साथ मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।